हेलो बच्चों, आज हम एक नया एनिमेशन बनाना सीखेंगे जिसका नाम होगा रेनफॉल। तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे रेनफॉल, और एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे ग्रेइश कलर का। ठीक है, क्रिएट। अब पेन वाइट कलर का चूज़ करेंगे और विड्थ सबसे कम 0.10। जूम कर लेंगे ताकि आसानी हो। अब यहाँ पे हमने ड्रॉप बना दिए, थोड़ा साइड में शेड कर देंगे ताकि अच्छा अपीयरेंस आए। जूम आउट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ड्रॉप को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये ड्रॉप हमको बाद में भी काम आने वाला है। तो मैं सिलेक्शन टूल पर जाऊंगा, कॉपी, और बस अब एक नेक्स्ट फ्रेम करते हैं, पेस्ट करेंगे उसको, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेम पेस्ट शिफ्ट, नेक्स्ट फ्रेम पेस्ट शिफ्ट, नेक्स्ट फ्रेम पेस्ट शिफ्ट। बस इसको इतना ही रखते हैं, तो चला के देखते हैं। हाँ ठीक है। अब दूसरी ड्रॉप डाल देते हैं। तो सेकंड फ्रेम पे जाएंगे, थर्ड फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे एक पेस्ट करेंगे और इसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। फिर फोर्थ फ्रेम पेस्ट शिफ्ट पेस्ट शिफ्ट, नेक्स्ट फ्रेम पेस्ट शिफ्ट, नेक्स्ट फ्रेम पेस्ट शिफ्ट। उसे थोड़ा नीचे तक जाएंगे और हम दोबारा चला के देखते हैं। तो अब हम जाएंगे फोर्थ फ्रेम पर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, पेस्ट शिफ्ट, फिर अगला फ्रेम पेस्ट शिफ्ट, उसके नीचे फिर पेस्ट शिफ्ट, नेक्स्ट फ्रेम पेस्ट शिफ्ट। फ्रेम ऐड करेंगे, एक और ड्रॉप, फिर एक लास्ट ड्रॉप हम डाल देंगे। तो अभी हमारा काफ़ी ठीक हो गया है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ऐड करने के लिए हम कर सकते हैं कुछ और। तो जहाँ हमारा पहला ड्रॉप ख़त्म हो रहा है उससे अगले फ्रेम पे जाएंगे और शेप टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सर्कल को थोड़ा छोटा करेंगे और थोड़ा पिचका देंगे उसको, है ना। और अब पेंसिल को इसके अलोंग मूव करेंगे तो ये शेप बन गया है हमारा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे मूव कर लेंगे जहाँ हमारा ड्रॉप ख़त्म हो रहा है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, दोबारा शेप टूल दोबारा से बनाएंगे, शेप टूल डी सेलेक्ट सेलेक्ट मूव, उसके चारों ओर ये हम रख देंगे और फिर अगले फ्रेम पे जाएंगे, शेप टूल सेलेक्ट और एक दोबारा बनाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको नीचे इसके चारों ओर लगा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा बनाया। हाँ ठीक बनाया।
तो इसी तरह बाकी तीनों ड्रॉप पे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ठीक है, अब सारे सर्कल बन गए हैं, तो प्ले करके देखते हैं पहले इसको। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, फ्रेम्स व्यूअर पर जाएंगे, सब सेलेक्ट करेंगे फ्रेम्स इस बटन से, और कॉपी करेंगे पहले और फिर पेस्ट कर देंगे दो बार। तो इससे अब हमारे पास 36 फ्रेम्स हो गए हैं। ठीक है, बैक दोबारा प्ले करेंगे। ठीक है, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारी जो मूवी है वो थोड़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो अब मूवी बना लेते हैं, मेक मूवी, मेक मूवी। तो ये हमारी मूवी बन गई है।